हाँ जी, तो फाइनली मुबारक दिन आ गया मिस्टर हर्षित पारेख की हैप्पी बर्थडे की पार्टी का, जो कि होस्ट हो रही है। हाँ आई एम बैक। हाँ मोहित, वीडियो जैसे ही शुरू हो ना तो एकदम से चुप हो जाएगा। अच्छा। और इंट्रो शॉट हमेशा मेरा होता है, आपका नहीं होता। ठीक है ठीक है सर, आप पहले बोल लिया करो, दोबारा बोलना है? अब आप बोलो। अच्छा ठीक है, अभी इजाजत है, कंटिन्यू। ओके ओके, तो पार्टी की शुरुआत होने वाली है। यहाँ पे बर्थडे की पार्टी की महफिल जम गई है, अंदर किचन में भी प्रजाई जी लगी हुई है, बड़ा माल मसाला तैयार हो रहा है जी। सबसे बढ़िया आपकी फेवरेट चीज दिखाता हूँ, आ जाओ फॉलो मी। तो चलो जरा नजारे मारे, वीडियो की शुरुआत करी जाए। मनोजा जी, आपके लिए स्पेशल सरप्राइज है। हाय हाय, क्या बात है सर। सैलेड है। वेरी नाइस। आप खा नहीं रहे, रोटी खा नहीं रहे, चावल खा नहीं रहे। हाँ। आपके लिए फ्रेश सैलेड बनाया है। वेरी गुड। बैठी हैं वहाँ पे। हाँ हाँ। चिकन विकन तोड़ रही हैं। क्या बात है आंटी जी, वेरी गुड। चिकन डालेंगे, आंटी जी को स्पेशल आज हमने हायर किया है। अच्छा। आंटी जी की सर्विसेज ली हैं। वेरी गुड वेरी गुड। आंटी जी बहुत पुरानी है, मेरी शादी पे भी आई थी आंटी जी। अच्छा, फिर आंटी जी मेरी शादी पे भी आ जाना। आंटी जी का काम ही यही है, मतलब शादी वाले घर पे जाके मदद कराती हैं। वेरी गुड वेरी गुड। और इनके हाथ का खाना खा लोगे तो और मजा आ जाएगा। वेरी नाइस। मनोचा जी चिकन लॉलीपॉप। आहा, कमाल है सर, स्वाद आ गया। एक सबसे स्पेशल चीज दिखाते हैं। अच्छा, इधर लेके फोकस, इधर लो। अच्छा फोकस। ओ तेरी की दिल रुबा है ये तो, मटन दिल रुबा। वाह वाह वाह, लेस स्पाइसी आपके लिए। लेस स्पाइसी बनाया। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि मैं थोड़ा गला आजकल सेंसिटिव है ना, तो लेस स्पाइसी चल जाता है। चले मनोषा जी। हाँ जी, किधर लेके जा रहे हो सर? यार हम जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए मार्केट। अच्छा। जो एट टाइम मोमेंट्स में सामान आप भूल जाते हो। हाँ हाँ हाँ। जो थोड़े बहुत रह ही जाते हैं। सही बात, वो कलेक्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, इस बार आपका क्या रह गया सर? हर्षद के लिए रह गया सर कुछ सामान। हाँ जी मिस्टर सिंह। यस। पहली आइटम क्या उठाने जा रहे हो? वाइन। आओ जी, क्या बात है, पहली एंट्री दीवान साहब की। और सब बढ़िया भाई? मैं तो, मेरे को लगा मैं लेट हो गया हूँ। ओ ये तो फिर तेरे को पता ही है। कोई टाइम पे नहीं आने का तैयार। और मनोज साहब? बस सर। और पारस, क्या हाल है? ओए होए पबजी मोमो, आप मेरे लिए बहुत मुश्किल कर दोगे यार, मेरे को आज ही चीट डे रख लेना चाहिए था। प्लीज खा लो और अच्छी तरह खा लो। आज तो जी दिन ऐसा है कि भाभी जी इतना खास बढ़िया बढ़िया खाना बना रही हैं कि भाभी जी आज मुझे लग रहा चीट डे रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल रखना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि ऐसी अरेंजमेंट होती है बड़े फिर खास फैमिली मेंबर, खास फ्रेंड्स, खास दोस्तों के लिए। स्पेशल दोस्तों के लिए, क्यों जी? एकदम स्पेशल के लिए आपके लिए बनवाया सब कुछ। हाँ। और जो बंदा स्पेशल आने वाला उसके लिए बनवाया। क्योंकि जी बंदा अपनी खास दोस्तों के लिए थोड़ा सा मेंटल वेलनेस का भी ध्यान रखता है कि चलो ठीक है पार्टी शार्टी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, एक दूसरे को स्पेशल फील होता है, मिलने का मौका हो जाता है, हंसी मजाक हो जाता है, और फिजिकल वेलबींग का भी सारा हम आपस में ध्यान रखते हैं। जैसे परजाई जी इसके खाने का बहुत ध्यान रखती हैं आजकल के, भाई क्या क्या इसको जाना है क्या क्या नहीं जाना। और वैसे ही अगर आपने थोड़ा सा देखा हो तो मैं भी रिसेंटली ध्यान दे रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ध्यान दे रहे हो, आप पतले हो गए हो पहले से। और सिर्फ वेट लूज करना भी टारगेट नहीं होता, ओवरऑल हेल्दी रहना टारगेट है। मैं रिसेंटली थोड़ी सी इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह कर रहा हूँ, दिन में 2 ही बार खाता हूँ, और कार्ब्स मैंने बिल्कुल कट कर रखे हैं। बट उससे ये होता है कि भाई आपको अपने बॉडी के न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमेशा पूरे रखने चाहिए, इसलिए मेरी प्रोटीन की सप्लाई आप लोगों को पता है माई प्रोटीन है, इतने टाइम से चलती आ रही है। फिर चाहे मैं गया हूँ क्यूबा ट्रिप पे, चाहे मैं गया हूँ USA की मोटर होम ट्रिप पे, चाहे कनाडा की मोटर होम ट्रिप हो, या फिर इंडिया में यहाँ पे टाइम, हमेशा मैं माय प्रोटीन अपना बैलेंस रखने के लिए अपने लेवल्स को यूज करता रहता हूँ। गुलाटी साहब, क्या बात है आपको, मैन इन ब्लैक है, क्या रॉयल लग रहे हैं गुलाटी साहब। क्या हाल है सर? बढ़िया। ऑल वेल, आप ठीक हो? सत श्री अकाल भाभी जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। ये तो खुश है आज, खूब सारे चाचू चाची आ रहे हैं। इसकी मौज हो जाती है। और हेल्थ के साथ थोड़ा थोड़ा माय प्रोटीन ने इस बार वेल्थ का भी बंदोबस्त कर दिया है, वो इस तरीके से कि इनका एक स्पेशल रेफरल प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसके अंदर आप चाहें तो माय प्रोटीन की वेबसाइट पे जाके एक
अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उससे बन जाएगा एक रेफरल कोड अगर आप वो जनरेट करें, फिर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली में किसी को भी वो कोड देते हैं और अगर वो कोड यूज़ करके आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर माई प्रोटीन की वेबसाइट से 3,000 rupees की शॉपिंग करते हैं तो उनको 1,000 rupees इंस्टेंट वहीं पर डिस्काउंट मिल जाएगा और क्योंकि वो आपका कोड यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1,000 rupees का क्रेडिट मिल जाएगा जो कि आप आगे माई प्रोटीन की वेबसाइट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं फर्दर प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए। तो इससे आप चाहें तो पूरी फैमिली कनेक्टेड एक दूसरे को बेनिफिट देते हुए हेल्थ का ध्यान भी रख सकते हैं और यही आजकल कुछ हम सब करने वाले हैं। बर्थडे बॉय आ गए जी, सरप्राइज सर, सरप्राइज, आओ जी आओ। और माई प्रोटीन का स्पेशल दिवाली ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 35% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको यूज़ करते हुए और TD फैमिली कोड यूज़ करते हुए माई प्रोटीन परचेज करते हैं। ऑफर वैसे 29 से 31 अक्टूबर तक का है बट हमारी क्योंकि वीडियो एक दिन पहले शाम को जाती है तो जैसे ही वीडियो रिलीज हुई है 7 PM ऑनवर्ड्स ऑफर वैलिड हो गया होगा। बट अब जरा मैं चलूँ, गेस्ट इकट्ठे हो गए हैं, थोड़ी पार्टी शार्टी देखी जाए और देखें अंदर क्या हंसी मजाक चल रहे हैं। दीवान साहब इधर दिखाना, जो आप उंगलियां चाट रहे हो गई मेरे जो स्पेशल बनवाए थे बिना स्पाइसी वाले, नहीं भाई ये स्पाइसी वाले हैं। दीवान साहब आपके ही खा रहे हैं भाई, नॉन स्पाइसी वाले। अरे प्लेट एक पड़ी है। आहा, ये आ गई हमारी आइटम। देखो सर, मैं मेरी आपके आइटम नहीं है, ये वेज वालों की है। वेज वालों, अच्छा मुझे नहीं मिलेगी? नहीं आपके लिए नॉन वेज है। अच्छा चिकन वाली सैलेड बन रही है। हाँ जी देखो जी, अपना हेल्दी काम फिर भी चल रहा है क्योंकि यहाँ तो चलो अब बर्थडे पार्टी है तो थोड़ी बहुत ड्रिंक्स वगैरह तो चलेंगी। मैं तो खैर आप लोगों को पता है पीता नहीं, बट आज क्योंकि मेरा चीट डे ऑफिशियली है नहीं तो सिर्फ एक दो चीज़ें ही ट्राई करूँगा, बट अदरवाइज सैलेड स्पेशली भाभी जी ने मेरे लिए बनाई है। हेलो, सत श्री अकाल दीदी। कैसे दीदी? ये सुखविंदर की बड़ी वाली दीदी है, छोटी दीदी। ओ हेलो, ये तो बेबी बड़ा हो गया यार। बाकी जी अब टाइम आ गया आपको अंकल जी से मिलाने का। अंकल जी मैं ये बता रहा था कि मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग करता हूँ ना, थोड़ी बहुत कंट्री घूम के अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मगर असली ग्रैंड ट्रैवलर ये हैं। अगर इनके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा के ठप्पे गिरने शुरू किए तो बंदे की उम्र बीत जाएगी। अंकल जी कितने होंगे वीज़ा आपके पासपोर्ट पे? 95 से 100। 95 से 100? क्योंकि बिजनेस के सिलसिले में अंकल पूरी दुनिया घूमे हुए। सबसे फेवरेट कंट्री कौन सी थी? जर्मनी। सर एक ही जैसे यूरोप है, जर्मनी बेस्ट है। ये जर्मनी बेस्ट है, मेरे को पता है। अंकल की फेवरेट कंपनी है, कंट्री है, पूछो कि अंकल घर पे ना हो। 40 बार गया। हाँ जी 40 बार, क्योंकि आप मशीन्स वगैरह वहाँ से लाके रिफर्बिश करके प्रोसेस करके। ईमानदार हैं लोग ये जर्मनी में, सारे ईमानदार। ईमानदार लोग। एक RTC कर लेते हैं। RTC क्या होता है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। खड़े होके सुन, टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है। मैं जैसे ही बोलते हैं ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के चारों उतर जाता है मेरा चेहरा, असली में सो जाता है कि ये वल्गर बातें शुरू कर देते हैं। वल्गर बात? अरे नहीं, एक्चुअली बिलो 18 है। नहीं ना, ये आदमी हम स्कूल में एक बार वहाँ गए ट्रिप पे, ठीक है? ट्रिप पे अब क्या है, सारे नए नए बच्चे आते हैं, सबको मिलना होता है, सबको अलग अलग स्टैंडर्ड से सारे होते हैं। तो ये आदमी जाता है, कहते हैं मेरे को भविष्यवाणी देखनी आती है। अच्छा अब भविष्यवाणी कैसे देखेगा आदमी? ऐसे करेगा, उनका ना पहले से घर पर देखे होंगे ऐसे सब कुछ, क्या ओहो आपका व्हाइट कलर का घर है, ऐसे करेगा। फिर ऐसे इतना बड़ा मेंशन और यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, अभी थूक देख। मैं क्या करता था छोटे होते कि देखो बेटा ये जो है ना अपना तू क्यों ऐसे हाथ कर रहा है, ये जो है ना ये इसका नाम है चुनमुन, छोटा सा है, ठीक है इसको ऐसे प्यार कर दो।
कर दो ठीक है, अब चुनमुन को पारी कर दो, पारी करो ना। अरे कर तो सही भाई, जो कह रहे कुछ जैसा दो तोड़ ही रहा है कुछ करना। अब चुनमुन को पारी कर दो, कर दी ठीक है। अब चुनमुन अपने घर जा रहा है। ये भी हैंडमेड केक है भाई। कौन सा? दिस इज अ हैंडमेड केक फॉर यू। ओह माय गॉड, भाई मेरे को भी ले लियो, पार्टी दी है मैंने। मेरे बटन दबाने से पहले इसने फूंक मार दी। खर्चा किया मैंने। बस ये खिला दो उसके बाद मेरी छुट्टी। ये तो स्पेशल ही चीज लग रही है भाभी जी कुछ। अब जो डिनर शिनर का टाइम चल रहा है, बाकी लोग कभी कोई खा रहा है कोई नहीं खा रहा, गरम गरम बना था हमने का, ताजी रोटी का मजा अलग आता है। भाभी जी साथ साथ सर्व कर रहे हैं। भाभी जी आप कब खाओगे? अच्छा साथ साथ ऐसे ही है, जब बंदा जिसकी घर पर ड्यूटी लगी होती है उसका काम ओखा हो जाता है। मैं ब्रेड क्योंकि रोटी छोटी बन रहा, तो इसलिए मैंने कहा सिर्फ मीट मीट खाऊंगा। एकदम बढ़िया, बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, बहुत बढ़िया बनाया, एकदम बढ़िया फ्लेवरफुल। देखो जी अभी लंच का टाइम हुआ था तो हम बैठ गए, तीनों गुलाटी साहब भी यहीं कहीं काम करते हैं, मेरा होटल जो है पुल के उस तरफ है, कभी थोड़ा लंच वंच हमने किया, मगर कल पार्टी सर बहुत बढ़िया हो गई है ना, खाना भी बहुत बढ़िया हो गया, केक भी बढ़िया होती है जब अच्छे अच्छे लोग आते हैं, गुलाटी साहब जैसे लोग आते हैं तभी महफिल बनती है। देखो बाकी गुलाटी साहब का फोन बंद नहीं होता, आज सबने एंजॉय किया, सबसे बड़ी बात ये है। और आज तो दो वीडियो डाली है, तो जो सुबह वीडियो आई है आज वाला रह गया अभी तक। ओह शिट, I'm back. चलो हो गया, आज का शगन भी हो गया है क्योंकि अगला दिन शुरू हो गया ना। बाकी आप ये लगा लो जी कि वीडियो में जो आज हमने डाली है उसमें बड़े कमेंट आए हैं आज, तो मतलब लाख व्यू नहीं हुए इतने कमेंट आ गए। गुलाटी साहब ने उस दिन जो 15-20 हज़ार का खर्चा किया था घर पे और कमेंट्स मेरे आ गए थे, अब उनके आ गए हैं, अब इनकी ठंडक पड़ी रहेगी दिल में, शांति रहेगी। गुलाटी साहब गलत तो नहीं कह रहा, आप कुछ गलत कहते हैं नहीं। बस ठीक। बाकी जी अभी ऐसी मौज मस्ती आगे चलती रहेगी, इन दोनों के फोन टैं 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 फिर बजने शुरू हो गए, तो इसीलिए मैं इनको अब काम का टाइम है, इनको काम करने देता हूँ, मैं रखता हूँ। बाकी जी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।